call him Big Match John, and there's a reason for that. Right place, right time. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रेसलिंग टॉक। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर WWE फैंस जानना चाहता है कि WWE रियल है या फेक। वैसे तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनानी चाहिए जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी बात बताने वाला हूँ कि WWE रियल है या फेक। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो WWE की फुल फॉर्म है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, जैसा कि इसके नाम में ही है, एंटरटेनमेंट। यानी WWE का काम है लोगों को एंटरटेन करना, और WWE हमें एंटरटेन करती है अपने मैचेस के जरिए। जहाँ तक बात है इसके रियल और फेक होने की, तो WWE रियल भी है और फेक भी। यानी WWE एक स्क्रिप्टेड शो है। WWE में जो भी होता है वो पहले से ही स्क्रिप्टेड होता है। मतलब हमें जो मैच के दौरान इंटरफेरेंस देखने को मिलता है वो सब स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग होता है। कोई भी सुपरस्टार अपनी मर्जी से मैच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर वो अपनी मर्जी से मैच में इंटरफेयर करेगा तो WWE उसे सस्पेंड भी कर सकती है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि WWE में जो हमें मूव्स देखने को मिलते हैं वो रियल होते हैं या फेक। तो मैं आपको बता दूं कि WWE में जो ज़्यादातर मूव्स होते हैं वो बिल्कुल रियल होते हैं, जैसे RKO, क्लेमोर किक, स्पीयर, पावर बॉम्ब, या फिर जो हम हाई फ्लाइंग मूव्स देखते हैं, ऐसे जो मूव्स होते हैं वो बिल्कुल रियल होते हैं। WWE में लगभग 90-95% जो मूव्स होते हैं वो बिल्कुल रियल होते हैं। अगर हम बात करें कुछ फेक मूव्स की, जैसे टूमस्टोन पाइल ड्राइवर, आपने देखा होगा कि अभी जो अंडरटेकर टूमस्टोन पाइल ड्राइवर लगाते हैं उसमें उस रेसलर का जो सर होता है वो जमीन पर लगता ही नहीं है। हालांकि अंडरटेकर पहले जो टूमस्टोन पाइल ड्राइवर लगाते थे वो रियल होता था। और कुछ फेक मूव्स की बात करें, जैसे पेडिग्री और सुपर किक, कई मौक़ों पर सुपरस्टार जो सुपर किक लगाते हैं वो उस रेसलर को कनेक्ट ही नहीं होता, वो रेसलर वो किक लगने से पहले ही ज़मीन पर गिर जाता है। और कई बार जो पंचेज और बिग बूट जैसे मूव होते हैं वो भी फेक होते हैं। अगर आप उसे स्लो मोशन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और आपने देखा होगा कि जब सुपरस्टार सुपर किक लगाते हैं तो उससे जो साउंड आता है वो काफ़ी तेज होता है। वो इसलिए क्योंकि वो साउंड उस किक का नहीं होता। सुपरस्टार अपने हाथों को अपनी थाई पर मारते हैं वो साउंड निकालने के लिए, ताकि वो किक देखने में पावरफुल मूव लगे। और जब कोई सुपरस्टार बड़ा मूव परफॉर्म करता है तब WWE जो है अपना कैमरा एंगल तेजी से चेंज करती है, ताकि लोगों को पता ना चले कि वो मूव सही तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं। और WWE में कई ऐसे मूव्स भी होते हैं जिसमें अपोनेंट रेसलर की मदद के बिना वो मूव परफॉर्म नहीं किए जा सकते। जैसे सुपरस्टार खुद टॉप टर्न बकल पर चढ़ जाता है ताकि वो सुपरस्टार जो उसे सुपरप्लेक्स लगा रहा है उसे सुपरप्लेक्स लगाने में आसानी हो। और जो भी हाई फ्लाइंग मूव्स हम WWE में देखते हैं उन सबको परफॉर्म करने के लिए दोनों सुपरस्टार की मदद चाहिए होती है, जैसे फिन बैलर का फिनिशर कूडेगा, ये सब स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग होता है। और ये मूव्स को परफॉर्म करने के लिए दोनों सुपरस्टार की मदद चाहिए होती है, और ये WWE के ऊपर है कि वो किसी सुपरस्टार को कितना सक्सेसफुल बनाती है। हालांकि इसमें उस सुपरस्टार की मेहनत भी होती है, लेकिन अल्टीमेटली काम जो है वो WWE करती है। ये WWE तय करते हैं कि किस सुपरस्टार को मैच जितवा। WWE में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि WWE एक स्क्रिप्टेड शो है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि WWE में सारे मैचेस स्क्रिप्टेड नहीं होते, सिर्फ कुछ ही मैचेस स्क्रिप्टेड होते हैं। तो भाई, सारे मैचेस तो WWE ही करवाती है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा कि कुछ मैचेस स्क्रिप्टेड और कुछ मैचेस ना हो। WWE में सारे मैचेस स्क्रिप्टेड होते हैं। अब सवाल आता है कि WWE में जो हमें सुपरस्टार के ब्लड निकलते देखते हैं वो रियल होते हैं या फेक। तो ज़्यादातर मौक़ों पर ये ब्लड रियल होते हैं। सुपरस्टार अपने हेड पर खुद से कट मारकर ब्लड निकालते हैं ताकि लोग एंटरटेन हो सके। लेकिन कई मौक़ों पर ये ब्लड फेक भी होते हैं। सुपरस्टार कैप्सूल का यूज़ करते हैं नकली ब्लड दिखाने के लिए। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि वहाँ जो इतने सारे लोग मैच देखने आते हैं वो क्या पागल है। तो गाइस, वो पागल नहीं है, उन लोगों को पता है कि WWE एक स्क्रिप्टेड शो है। बस इंडिया में ही कई लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि WWE बिल्कुल रियल है। वहाँ जो रेसलर मैच जीतते हैं वो अपने दम पर जीतते हैं, मतलब अपने दम पर तो जीतते हैं पर डिसाइड तो WWE ही करती है कि किसे मैच जितवाना है। और कई लोग ऐसे हैं जो ये मानना नहीं चाहते कि WWE स्क्रिप्टेड शो, क्योंकि उन्हें बचपन से ऐसा लगता था कि WWE बिल्कुल रियल है। तो गाइज, ऐसा कुछ नहीं है। WWE में जो मैचेस या मूव्स हम देखते हैं वो तो बिल्कुल रियल होते हैं। जब लोगों को ये बात पता चलता है कि WWE स्क्रिप्टेड शो है तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम WWE क्यों देखें। तो भाई, हम मूवीज़ तो देखते ही हैं और सबको पता है कि मूवीज़ में जो भी होता है वो सब स्क्रिप्टेड होता है। फिर भी लोग मूवीज़ देखते हैं क्यों? एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक उसी तरह WWE भी है। WWE में जो सुपरस्टार रिस्क लेते हैं, हाई रिस्क मूव परफॉर्म करते हैं, वो सब तो बिल्कुल रियल होते हैं। तो हमें भी ये बात समझनी चाहिए कि WWE सिर्फ एंटरटेनमेंट बेस्ड शो है।
और हमें भी इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के नज़रिए से ही देखना चाहिए। तो उम्मीद है गाइज आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। ये वीडियो यहीं तक के लिए थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि WWE से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।